खबरों में बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की दो सीटों विजयपुर और बुधनी में 13 नवंबर को उपचुनाव है। एक पर कांग्रेस, दूसरे पर बीजेपी का दबदबा रहा है। दोनों ही सीटों को लेकर दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। विजयपुर से कांग्रेस का दामन छोड़ा बीजेपी में आए वन मंत्री रामनिवास रावत, जिनको कड़ी चुनौती मिल सकती है। बुधनी में बीजेपी के सामने शिवराज की विरासत को संभालने की चुनौती है। सीहोर जिले में आने वाला बुधनी बीजेपी के झंडों से पटा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए तो बुधनी अपने विधायक का इंतजार करने लगा। बुधनी अपने चुनावी इतिहास में तीसरी बार उपचुनाव का सामना कर रही है। सबसे दिलचस्प ये है कि तीनों दफे उपचुनाव की वजह शिवराज ही रहे। हालांकि इस बार शिवराज मैदान में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है इस बार मतदाता उसका हाथ थाम सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल उसी किरार समाज से आते हैं जिससे शिवराज, वही बीजेपी ने शिवराज के विश्वस्त रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया है जो ब्राह्मण है। मैं बुधनी में मौजूद हूं और बुधनी के तमाम मतदाता हैं, शाम का वक्त है, बुधनी में चाय का लुत्फ लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव के माहौल में बुधनी में? चुनाव के माहौल में राजकुमार पटेल, ये तो बीजेपी का गढ़ है बताते हैं राजकुमार। मैंने बीजेपी गढ़ हूं। क्यों कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस को? जो बीजेपी में हम दुखी है, ये हमारी दुकान हटा दी, फुटपाथ पे ला दिया हमें। आपको क्या लग रहा है इस बार बुधनी में कौन जीतने वाला है? वही राजकुमार पटेल ही जीतेगा। क्यों? अरे उसने सबको बट्टाधार तो कर दिया, हर आदमी परेशान है उससे। किसने? महंगाई कर दी, ये कर दी, वो कर दी। महंगाई किसने कर दी? अरे सरकार करेगी और कौन करेगी। अच्छा, आप किसको देने वाले हैं इस बार वोट? मैं कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों देने वाले हैं? बच्ची सरकार है सर, बीजेपी की सरकार है। यहाँ तो शिवराज सिंह चौहान ने बहुत काम किया है बताते हैं। नहीं, काम तो उन्होंने अच्छा किया है, काम तो उनको परफेक्ट है, पर ये कि महंगाई ज्यादा कर दी और सुविधा हमको नहीं मिली ज्यादा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आप चाय का लुत्फ ले रहे हैं शाम की, यहाँ की एक कंपनी में काम करते हैं आप बड़े ग्रुप में, ट्राइडेंट में, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल दिख रहा है, किसके पक्ष में दिख रहा है? सर आप तो बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा है। अच्छा, आप वोट देते हो यहाँ? नहीं सर, बाहर। तो माहौल क्या लग रहा है वैसे? माहौल तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार, कितने साल हो गए बुधनी में रहते हुए आपको? बुधनी का अपना साथ जाना में जहीं के रहने वाले हैं अपन। हाँ। इतिहास अपन देखते हैं उठा के तो वो यही जीतेंगे, मतलब फूल वाली पार्टी जीत। फूल वाली पार्टी जीतेंगे जी, 100% जी, 100% जीतेंगे। हाँ, क्योंकि आज तक इतिहास कोई बदल ही नहीं सका, 30 साल हो गए। किसका माहौल ज्यादा दिख रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का दिख रहा है। हाँ। क्यों, बीजेपी ने काम किया बहुत? हाँ। आपको क्या लग रहा है? मामा तो मामा ही है फिर। तो इस बार मामा मैदान में नहीं है ना, तो पार्टी तो उनकी है ना। अच्छा। हाँ। तो मामा ही रहेगा और पार्टी उनकी है। तमाम लोगों की आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, किसी का कहना था बीजेपी, किसी का कहना कांग्रेस, कोई महंगाई से त्रस्त नजर आया। शिवराज मुख्यमंत्री थे सो एक इलाके में छोटी छोटी गलियां भी सीमेंट कंक्रीट की बन गईं। पार्ट लाल पत्थरों के हैं, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से लेकर आर्मी स्कूल तक सब कुछ बुधनी के विकास की राह दिखा रहा है। बीजेपी इस विकास को तुरुप का इक्का मान रही है, लेकिन जातिगत समीकरण और भीतरघात से जीत पर सवाल हैं। वहीं कांग्रेस भी कलह से जूझ रही है। युवा नेता अर्जुन आर्य हाथ छोड़ साइकिल पर सवार हो गए हैं, आए दिन पार्टी को ललकार रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव शिवराज के बेटे कार्तिकेय के साथ प्रचार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। वैसे इस सीट से 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिवराज जी जो हमारे जनप्रिय नेता हैं, लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं, यह उनका गृह क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र, पूरा परिवार हमारा परिवार है और मैं एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव उतारा है। निश्चय ही कार्यकर्ता सब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। बुधनी में कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने
तमाम फर्जी वोटिंग दबाव, उसके बाद भी अपने मतदान केंद्रों पर उनकी उपस्थिति से उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा है। तो हमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शक्ति के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर भरोसा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये चुनाव हम लोग जीते। उसके लिए सारे लोग कटिबद्ध हो रहे हैं, वचनबद्ध हो रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं, दौरे चल रहे हैं, गाँव दस्तक दी जा रही है, एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता दस्तक ना दें, सारी कार्य हमारे। वहीं इलाके के लोग भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। बुधनी में कुल 268,435 मतदाता हैं, जिनमें 139,332 पुरुष हैं, 129,096 महिलाएं और 7 अन्य लोग शामिल हैं। इलाके में सोयाबीन, मूंग और बासमती चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है। नर्मदा नदी से बालू का कारोबार होता है। इलाके में टेक्सटाइल से लेकर खाद बीज के भी कारखाने हैं। यहाँ पर तीसरी रेलवे लाइन डाली जा चुकी है। हम इस वक्त बुधनी के कस्बाई इलाके में मौजूद हैं और ग्रामीण इलाका है, तमाम लोग चौपाल पर बैठे हुए हैं। क्या माहौल इस बार चुनाव का? बहुत झंडे बंडे दिख रहे हैं? नहीं नहीं, झंडे से तो लगाए गए हैं, झंडे कोई नहीं लगाए नहीं ना। अच्छा। वो तो पार्टी वालों ने लगाए हैं। अच्छा। विकास खूब हुआ है सुना बुधनी में? नहीं नहीं नहीं, विकास की मतलब ही नहीं है। एक ये डिवाइडर बना दी थे, उसमें विकास का क्या होता है उसमें? और रोड बनना है तो वो तो सभी दूर रोड बना है। इसके अलावा जो भी है वो कांग्रेस आना चाहिए। क्यों कांग्रेस? बीजेपी का तो ये गढ़ है, कांग्रेस क्यों आना चाहिए? नहीं, इसमें अंतर हो गया बीजेपी में, बीजेपी में अंतर हो गया। क्यों? अब वो तो चुनाव का माहौल बताएगा। कहते कहते कैसे पार्टी किधर जीत जाए ये कोई कह नहीं सकते। बाकी कांग्रेस आना चाहिए इस बार। अम्मा दुकान कैसी चल रही है आपकी? हाँ है जो बताओ दुकान कैसी चल रही है? चल रही है, ऐसे बैठे हैं। तो चुनाव भी तो चल रहा है? चुनाव चल रहा है तो मेरी भी दुकान चल रही बेटा, ऐसे ही ऐसे। ऐसा किसको वोट करने वाली हो आप इस बार? ये नहीं बता सकती हूँ, जो भी मेरे मन में आ जाए उसको दे दूंगी मैं। नहीं तो मन में क्यों आ जाए, ये मन में क्यों आए? वैसे बताओ ना कि किसको, कांग्रेस को दोगे या बीजेपी को? कोई को भी दे देंगे, वो इच्छा की बात है। काम किसने किया? काम तो सब कोई कर रहे, मेरे जमाना में तो मामा जी ने करे मगर नाम काट दिए। मामा जी ने ना पेंशन बना रहे ना पैसा दे रहे, मेरे को एक साल हो गए। तो लोग तो कहते हैं मामा जी ने खूब काम किया है यहाँ। नहीं किया, वो मानते हैं ना बेटा। हाँ। किया है लगता तो बीजेपी ही आएगी। हाँ। क्योंकि माहौल ही वैसा चल रहा है ना बीजेपी का। हाँ। इसलिए बीजेपी का ही माहौल चल रहा है तो अब, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ही आएगी, कुछ भी हो सकता है। विधायक का चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। इसमें शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, बीजेपी का अभेद्य गढ़ है, कहते हैं बीजेपी तो लाखों वोटों से जीतती है ना यहाँ। बीजेपी लाखों वोटों से जीतती है, गढ़ उनका ही है और पहले विधायक के चुनाव में वही जीते थे, जब भी वो यहाँ से खड़े हुए वो जीते। लेकिन यहाँ से बीजेपी आएगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि पक्का क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ये चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। कैसे मतलब इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो होना चाहिए बदलाव। तो सुना तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं को आपने, जिन लोगों का मानना था सीधे तौर पर कि बीजेपी का अभेदगढ़ था है, लेकिन लोगों की राय इस बार कुछ जुदा भी नजर आ रही है। कुछ लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन बुधनी में हुए विकास कार्यों से खुश हैं। कुछ की अपनी परेशानियां हैं, कुछ की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन तमाम सियासी दल जो हैं अपनी ताकत लगाए हुए हैं। 20 प्रत्याशी कुल मैदान में हैं और 2 बैलेट मशीन इस बार के मतदान केंद्रों पर लगाई जाएगी। इन सब के बीच में बुधनी के मतदाता देखना होगा किसको लेकर इस बार वोट करते हैं और बुधनी का सियासी ऊंट किसके पक्ष में बैठता है। बुधनी से अजय शर्मा, एनडीटीवी।